हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.3। और इस एक्सरसाइज में है कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। कल हमने थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सपोज ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, ये जैनी फंक्शन। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं यू विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 1, राइट। सो गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू fx के लिए डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आई है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो एक फंक्शन और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जो ये फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पिछली एक्सरसाइज में हमें फंक्शन भी गिवन था, यानी कि सॉल्यूशन भी गिवन था और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन थी। एंड हमें ये वेरीफाई करना था दैट गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वहां पर हमें वेरीफाई करना था। मतलब वहां पर हमें सॉल्यूशन भी गिवन होता था एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन थी। लेकिन एक्सरसाइज 9.3 जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां पर आपको सॉल्यूशन गिवन नहीं होगा। वहां पर आपको क्या गिवन नहीं होगा? सॉल्यूशन गिवन नहीं होगा, वहां आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, राइट। और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। कल हमने जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन होता है, एंड जिसमें आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन नहीं होते हैं पर्टिकुलर सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, जिसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। बट इससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। और आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। कि किस फंक्शन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो आपको फाइंड करना है, करेक्ट। ओके बच्चों, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमारे कोर्स में 3 मेथड है। कौन कौन से? सबसे पहला जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या यूं कह सकते हैं हमारे जो कोर्स में है 3 डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी 3 टाइप्स की, जिनके हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। जिसमें पहले टाइप की जो इक्वेशन है वो होगी वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इनमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो आप कैसे करेंगे। सेकंड आता है बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थर्ड आएगा बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, या यूं कहें कि हम जो मेथड आज
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करेंगे वो होगा मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। अब जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करने से मीनिंग, मेरा मीनिंग है कि y की जितने भी, y की टर्म जितनी भी होगी वो एक अलग साइड पे होगी और x की टर्म एक अलग साइड पे होगी। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y की जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें y एक तरफ रहेगा LHS में या RHS में और x दूसरी साइड पे रहेगा, राइट। देखो अभी अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो उसमें तो x और y, dx और dy तो है लेकिन x और y तो है ही नहीं, तो ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट। तो इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, सबसे पहले आपको करना है dx और dy को अलग अलग साइड्स पे सेपरेट करना है, dx और dy को अलग अलग साइड पे सेपरेट करना है। इसको आप लिखेंगे dy is equal to और dx को आप लिखेंगे 1 के साइड पे, 1 into dx, करेक्ट। इस टाइप से आपको लिखना है। आफ्टर दैट दोनों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अलग अलग साइड पे सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स पे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट किया तो ये हो गया dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, राइट साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, 1dx कहें या dx कहें, राइट। अब dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का इंटीग्रेशन होता है y इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस में क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको एक ही साइड पे रखना है, दोनों साइड पे रखने का फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हैं लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन y आया प्लस आप लिखेंगे c1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आपका क्या है x, x प्लस आप लिखेंगे c2, राइट। तो उसके बाद आप लिखेंगे इसको y इज इक्वल टू x प्लस c2 माइनस c1। अब c2 और c1 दोनों कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस भी कांस्टेंट आएगा, तो इसके जगह हम एक नया कांस्टेंट रख देते हैं c, राइट। इसलिए आपको दोनों साइड c1 और c2 कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक साइड पे कांस्टेंट लिख दीजिए कांस्टेंट c, राइट। ओके, तो अब हम वापस आ जाते हैं यहां पर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फाइनली हमारा एक फंक्शन आया है y is equal to x plus c। This function is solution of given differential equation. ये जो function आया है, यही हमारा क्या है? Solution है given differential equation का, right? आप देख भी सकते हो, आप इससे अगर दोबारा differential equation बनाएंगे, तो ये आएगा dy by dx is equal to x का derivative हो गया 1 plus में c का derivative हो गया 0. यानी कि आप देखो dy by dx is equal to 1 आ गया। इस function की अगर दोबारा से आपने differential equation बनाई तो वही आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। तो इससे ये प्रूव होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये फंक्शन एक क्या है, सॉल्यूशन है, राइट। तो इस टाइप से आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे, राइट। और इस मेथड का जो नाम है वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एक्सरसाइज 9.3 में जो मेथड हम स्टडी करेंगे उस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की हमें एक-एक, इस क्वेश्चन में y वेरिएबल तो है नहीं, अकेला x है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, dx और dy को अलग-अलग साइड पे सेपरेट करना है। सो आप इसको लिखेंगे dy is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x into dx। सबसे पहले आपको करना है dy को एक तरफ लिखना है, dx को एक तरफ लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको देखना है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। y की सभी टर्म्स dy की तरफ होनी चाहिए, y की सभी टर्म्स dy की तरफ होनी चाहिए एंड dx की सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, सॉरी x की सभी टर्म्स dx की तरफ होनी चाहिए,
ठीक है, x की सभी टर्म्स dx की तरफ होनी चाहिए और y की सभी टर्म्स dy की तरफ होनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन में y की कोई टर्म नहीं है, सिर्फ x की टर्म्स है और वो ऑलरेडी dx के साइड पे ही है, वो ऑलरेडी कहां पर है, x के साइड पे ही है, ठीक है, राइट। सो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो जरा बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपको इसको करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। सो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे dy इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। सो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, एंड राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं, इस स्टेप के बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करने के बाद अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल यहां पर खत्म हो जाता है। अब ये इससे आगे का क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, जैसे आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सिंपलीफाई करे हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है अब आगे, राइट। सो एक बात तो जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखने के लिए आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट, ओके। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स, 2 से 2 को कट कर दीजिए, सो हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स, क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स। और बच्चों इंटीग्रेशन में जहां कभी भी टेंजेंट आ जाता है क्या करते हैं, कैसे से इंटीग्रेट करते हैं, टेंजेंट स्क्वायर को चेंज करना होता है सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट स्क्वायर x by 2 minus 1 इसी आइडेंटिटी लगाएंगे जो क्लास 10th में होती थी, into dx as it is। so y is equal to secant square x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है टेंजेंट ऑफ x by 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 by 2 माइनस x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होगा x plus c, राइट। तो ये इंटीग्रेट हो गया है, अब आप इसको लिख सकते हो y is equal to 2 tangent x by 2, 2 tangent x by 2 minus x plus c, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया solution of given differential equation, which is solution of given differential equation, इस टाइप से आपको इसको simplify करना है, correct। चलते हैं next question पे, next question में कैसे होगा, next question कैसे होगा देखो जरा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, dy by dx is equal to 4 minus y square upon dx। सबसे पहले आप वही करेंगे, dx और dy को एक अलग अलग साइड पे सेपरेट करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे dy is equal to 4 minus y square into dx। पहला स्टेप क्या है बच्चों, dy और dx को अलग अलग साइड पे कनेक्ट करना। now you will integrate both sides, now integrating both sides this implies dy is equal to integration of 4 minus a, इससे पहले just उसके बाद बच्चों वेरिएबल सेपरेट करने हैं आपको, वेरिएबल कैसे सेपरेट होंगे कि y की सभी टर्म dy की तरफ होनी चाहिए और x की सभी टर्म्स dx की तरफ होनी चाहिए, y square into dx, तो y की सभी टर्म्स dy की तरफ होनी चाहिए और x की टर्म्स dx की तरफ होनी चाहिए। अब ये 4 minus y square y की टर्म है, y की एक्सप्रेशन है, तो ये dy की साइड में होना चाहिए, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 4 minus y square into dy that is equal to dx। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, सो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन
कर देना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। सो हमने कर दिया है, अब देखो जरा ये कैसे इंटीग्रेट होगा। बच्चों ये किसका इंटीग्रेशन होता है, इसको आप लिख सकते हो 2² - y² - y² dy, that is equal to integration of dx, जो कि क्या होता है x plus c, this is equal to, बच्चों ये किसका इंटीग्रेशन है, ये sin इनवर्स y का इंटीग्रेशन है, sin इनवर्स y is equal to x plus c, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन आ गया sin इनवर्स y, राइट हैंड साइड में क्या है x plus c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y is equal to sin of x plus c, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आंसर आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऊपर वाले फॉर्म में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में भी। वैसे जहां तक मुझे याद है एनसीईआरटी में आपको आंसर इस फॉर्म में मिलेगा, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है dy/dx + y = 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम dx और dy को अलग अलग साइड से सेपरेट करेंगे। सो कैसे करें, dy/dx डायरेक्टली, अगर आप dx को डायरेक्टली तो आप राइट में लेके जा नहीं सकते, क्योंकि एलसीएम के टाइम एलसीएम तो है नहीं dx लेफ्ट साइड में, तो आपको लिखना पड़ेगा dy = 1 - y, y को आपको पहले राइट में लेके जाना होगा। dy/dx अब लिखेंगे dy = dx को आप लेफ्ट में लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 1 - y (dx). Now you will separate variables. अब आपको variables separate करने हैं। Variables separate करेंगे तो y की सभी terms कहाँ होनी चाहिए, dy की साइड पे, x की सभी terms कहाँ होनी चाहिए, dx के साइड पे। So आप इसको लिखेंगे 1 - y (dy) = dx। Right hand side में जो 1 - y था उसको हमने कहाँ लिख दिया, denominator में। Now you will integrate both sides. So 1/(1 - y) (dy) = dx। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा कि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा y - 1। और जो माइनस यहाँ पर कॉमन आएगा उस माइनस को यहाँ ना लिख के मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ -(dx). ठीक है, -(dx) इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस आपने लेफ्ट में लिखा या राइट में लिखा, राइट। ठीक है, सो अब ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log(y - 1) = -dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x + c। अगर आप इस लॉग को यहां से हटाना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे y - 1 = e^(-x + c), जो राइट हैंड साइड है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, e की पावर में शिफ्ट हो जाएगी, राइट। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो आपको ऐसे ही सिंप्लीफाइड में होके मिलेंगे, डायरेक्ट आपका जो ये इंटीग्रेशन आया है ऐसे ही नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एक दो स्टेप वो फर्दर सिंप्लीफाइड होंगे। सो y आ गया हमारे पास e^(-x + c - 1)। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिले इसका आंसर e^(-x) * e^(c - 1), सॉरी ये प्लस 1 होगा। ऑलराइट, अब e^(c) क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा, इसको एक नया कांस्टेंट लिख देते हैं कैपिटल E। ठीक है, तो ये हो गया दिस। हो सकता है बुक में आपका आंसर इस फॉर्म में हो, राइट, इस तरह से आपको ये सिंप्लीफाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जरा, 4 तो क्वेश्चन नंबर है, secant² x (tangent y) (dx) + secant² y (tangent x) (dy) = 0। तो पहला काम हमारा रहेगा dx और dy अलग अलग साइड पे सेपरेट करना। ठीक है, तो dy वाली टर्म्स को तो मैं लेफ्ट में ही रख रहा हूं और dx वाली टर्म को मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा secant² y (tangent x) (dy) = -(secant²x)(tangent y) (dx). अब dx और dy दोनों अलग अलग साइड्स पे हैं, dx और dy कहां है, दोनों अलग अलग साइड्स पे हैं, राइट।
अब क्या करेंगे आप, y की जितनी भी टर्म्स हैं वो dy के साइड पे होनी चाहिए और x की जितनी भी टर्म्स हैं वो dx के साइड पे होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे टेंजेंट y है ये लेफ्ट में होना चाहिए और यहाँ टेंजेंट x है ये राइट में होना चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे secant square y, और राइट हैंड साइड पे जो टेंजेंट y है वो लेफ्ट साइड में कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, एंड इन टू में dy, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। अब हमारे पास क्या बचा, राइट हैंड साइड में बचा है secant square x इनटू dx, और लेफ्ट साइड में जो टेंजेंट x है ये राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। दिस क्वेश्चन अब हमारा ये हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, वेरिएबल्स सेपरेट हो चुके हैं। y की सभी टर्म्स, y की सभी टर्म्स dy के साइड पे है, x की सभी टर्म्स dx के साइड पे है। अब हमारा अगला स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करना। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होंगे, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल यहाँ पर खत्म हो गया है। क्या करेंगे आप इसमें, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए हम पुट कर देंगे टेंजेंट वाई इज इक्वल टू टी, तो secant square y dy is equal to dt हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन गई dt by t, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई dt by t is equal to राइट हैंड साइड में secant square x है, राइट हैंड साइड में क्या है secant square x, इसको भी हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, let tangent x is equal to z ले लेते हैं, secant square x dx क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, राइट ठीक है। सो राइट हैंड साइड बनी हमारी secant square dz, दैट इज dz अपॉन z, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ t, log mod t, एंड राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod z plus। अच्छा बच्चों यहां पर सारी टर्म्स log में आ गई, तो c को भी लिख देते हैं log c, log c इज आल्सो ए कांस्टेंट नंबर, राइट, तो आप c लिखें या log c लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। z को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, log of t minus mod t minus log of mod z is equal to log c, राइट। अब हम t और z की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, या फिर इससे पहले हम इस पे log m minus log n लगा देते हैं, तो log m minus log n क्या होता है log m upon n, so ये हो जाएगा t upon z mod, this is equal to log of c, t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू है t is what, t हमने लिया था tangent y, log tangent y upon में tangent x mod is equal to log c, दोनों साइड से आप लोग हटा सकते हैं, तो आप लिखेंगे tangent y upon tangent x is equal to c, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं tangent y is equal to tangent x into c, right, ये आपका ये c है बच्चों, ही मत समझना इसको, ये आपका आंसर होगा। so this is differential solution of the given differential equation, चलते हैं जरा next question पे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, देखो बच्चों dy लेफ्ट साइड में है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx, ठीक है। फिर से हम वही करेंगे, dx और dy की टर्म्स को अलग अलग साइड पे सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू dy, और ये जो टर्म है ये वाली टर्म इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस की टर्म है राइट में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज दिस विल बिकम e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा डी वाई और डी एक्स वो दोनों अलग अलग साइड पे सेपरेट हो चुके हैं, अब आपको फोकस करना है वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए।
वेरिएबल्स को आप सेपरेट करेंगे तो x की सभी टर्म्स y तो यहां है नहीं, और x की टर्म्स कहां होनी चाहिए, x की टर्म्स dx की तरफ होनी चाहिए, तो लेफ्ट साइड में तो रहेगा dy और ये जो टर्म है ये राइट साइड के डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। सो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन इस टर्म को कहां लिखेंगे आप, इसे आप लिखेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू dx, ये आपका बनेगा। अब dy, अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है राइट, और हर बार की तरह डिफरेंशियल इक्वेशन का काम यहां पर खत्म हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन और राइट साइड का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा y, सो दिस इज y एंड राइट हैंड साइड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आपको देखना है राइट, इसलिए मैं कह रहा था कि इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना है, आना चाहिए ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेट ही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के तो कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं बिगनिंग के, क्या करेंगे आप पुट डिनोमिनेटर को पुट कीजिए ex plus e to the power minus x is equal to t, डिफरेंशिएट करिए e to the power x as it is रहेगा, e to the power x minus x into में minus 1 आएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर इनटू डीएक्स दैट इज इक्वल टू डीटी राइट। अब क्या करें वाई इज इक्वल टू सो ये हो गया डीटी के इक्वल, तो हम अपने एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं डीटी अपॉन टी राइट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू डीटी अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया log of mod t plus में c, y is equal to log of t की क्या वैल्यू थी e to the power x plus e to the power minus x plus c, so this is the required solution of required differential equation correct। चलते हैं next question, sixth question की तरफ, और sixth question भी बहुत easy question है, देखो जरा क्या है, dy by dx is equal to 1 plus x square into 1 plus y square, यह हमें given है, फिर से भाई सबसे पहले तो first हमारा काम है वो क्या है dx और dy को अलग अलग side पे separate करना, तो आप इसको लिखेंगे dy is equal to 1 plus x square into 1 plus y square into dx, after that आपका जो second step है, second step में हम variables को separate करेंगे, dy की साइड पे y की सभी टर्म्स dy की साइड पे होनी चाहिए और x की सभी टर्म्स dx के साइड पे होनी चाहिए, तो ये आएगा बच्चों 1 plus 1 upon y square into dy, this is equal to 1 plus x square into dx, now integrating both sides, variable separate होने के बाद क्या करना है, both sides integrate कर देना है राइट वेरिएबल सेपरेट होने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा टेंजेंट इनवर्स y, राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और x स्क्वायर का क्या होगा x square x cube by 3 plus c राइट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन है log y dx माइनस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, सिमिलर वे बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम काम करेंगे, सबसे पहले x और dx की टर्म्स अलग अलग साइड पे सेपरेट करेंगे y और dy की, सो माइनस ऑफ x dy माइनस ऑफ x dy इस वाली टर्म को हम राइट पे शिफ्ट कर दें जीरो के राइट साइड में, सो ये हो जाएगा y log y into dx करेक्ट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तो y की सभी टर्म्स कहां होनी चाहिए dy की साइड पे, x की टर्म्स कहां होनी चाहिए dx की साइड पे, सो इसको हम लिखेंगे 1 upon y log y into dy।
अच्छा यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डिवाइड, दिस इज इक्वल टू x को हम राइट में लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा 1 upon x dx. After that, variable separate हो चुके हैं, now you will integrate on both sides. दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेशन किया, अप्लाई किया. लेफ्ट साइड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा log y is equal to t. 1 upon y dy is equal to क्या हो जाएगा dt. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1 upon y dy को आपको क्या लेना है, dt लेना है, इस एक्सप्रेशन को आपको dt लेना है, तो ये हो जाएगा dt upon log y को पुट किया था t. This is equal to right hand side में क्या है 1 upon x dx. All right. So 1 upon t का इंटीग्रेशन हो गया log t log mod t is equal to राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा log mod x, और मैंने बताया था सभी टर्म्स अगर प्लस में है, सॉरी log में है, तो c को भी क्या लिख देते हैं log c. Now t की वैल्यू डाल दें, t की वैल्यू क्या है log of t की वैल्यू है बच्चों, t की वैल्यू क्या है देखो जरा, t हमने लिया था log y, so t की जगह लिखेंगे log y, so ये हो गया log of log y is equal to right hand side में क्या है log x into log c, log आप इसको लिख सकते हो log x into c, right, because log m into n क्या होता है log m plus log n क्या होता है log m into log of m plus log n, this is equal to log of m into n. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो log x plus log c को आप लिख सकते हो log of x into c. दोनों साइड से एक log कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास log y. log y is equal to x c. हो सकता है बच्चों बुक में पीछे आंसर इस फॉर्म में भी नहीं हो और वहां पर लिखा हो कि y is equal to e to the power x c. इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, ठीक है. ये कैसे हुआ, जैसे कि दोनों साइड को बोथ साइड्स log y is equal to x c है, तो e to the power log y क्या होगा e to the power x c के बराबर होगा. एंड बच्चों हम ये जानते हैं ये प्रॉपर्टी होती है कि e और log कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या आएगा e to the power x into c, which is the required solution of given differential equation. Right. Next question देखते हैं, question number 8. Question number 8 भी ऐसा लग रहा है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बस इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए. सो बच्चों सबसे पहले तो आपको dy और dx सेपरेट करना है. सो dy x टू द पावर 5 इनटू dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ y टू द पावर 5 इनटू dx ही होगा. दैट गिव्स यू, अब आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो आप लिखेंगे 1 upon y टू द पावर 5 इनटू dy इज इक्वल टू 1 upon x to the power 5 into dx, right? Integrating both sides आपको integration apply कर देना है. इसे आप लिखेंगे integration of y to the power minus 5 dy and right hand side में होगा x to the power minus 5 into dx. y to the power minus 5 का integration क्या होगा? ये integration होना चाहिए. Integrate करते हुए हम क्या करते हैं? Power increase कर देते हैं divided by न्यू पावर x टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर दैट इज 4 माइनस 4 प्लस में लिखेंगे c. सो ये हो गया y टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 इनटू x टू द पावर माइनस 4 प्लस c. और यू कैन से माइनस 1 अपॉन 4 y to the power 4 plus plus 1 by 4 x to the power 4 is equal to c. यानी कि 1 upon 4 into 1 upon x 4 plus 1 upon y 4 is equal to c. इस 4 को आप right hand side में multiply कर सकते हैं. So 1 upon x 4 plus में minus है बीच में. माइनस 1 अपॉन y 4 इज इक्वल टू इस 4 इनटू c का क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे c1 c को क्या बना दिया c1 बना दिया.
एंड 4 इनटू सी1 को आप अगेन क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। सो ये आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुश्किल रहेगा इसका, पर बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा होंगे इसके इंटीग्रेशन में। ऑलराइट, देखते हैं। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, पहले dy और dx सेपरेट करेंगे, तो dy इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स ऑफ dx। ऐसा इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया हुआ है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में, जब वो मेथड कर रहे थे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था sin इनवर्स x। sin इनवर्स x इनटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दिस dy का इंटीग्रेशन होगा y, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin इनवर्स को हम फर्स्ट लेंगे, 1 को हम सेकंड लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin इनवर्स x एज इट इज, sin इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, दैट इज x, माइनस में sin ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin इनवर्स का डेरिवेटिव, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या हमारा 1 का इंटीग्रेशन होगा x इनटू dx। सो दिस इज नाउ y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x माइनस, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं i1। इसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, i1 मैंने किसको अज्यूम किया है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया और पुट किया 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ 2x इनटू dx इज इक्वल टू dt। सो 2x dx क्या बन गया, माइनस dt। सो i1 इंटीग्रेशन में 1/2 2x और यहां dx है, 2x dx के जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dt। माइनस को मैंने बाहर लगा दिया है एंड 1 माइनस x स्क्वायर को क्या लिया था, t। सो ये बन गया रूट ऑफ t। दिस इज -1/2 t टू द पावर, t की पावर क्या होगी, t की पावर माइनस ऑफ dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 t टू द पावर माइनस ऑफ t टू द पावर माइनस आपको लिखेंगे t टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से आपको हाफ को कैंसिल कर सकते हो, प्लस में आप लिखेंगे c। सो दिस इज i1 हो गया t टू द पावर हाफ, t की वैल्यू बच्चों क्या है, t की वैल्यू है 1 माइनस x स्क्वायर और हाफ को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस प्लस में c। i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 y is equal to x sin inverse x minus under root of 1 minus x square plus c, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो जरा, e to the power 10x into y dx is equal to plus 1 minus e to the power x into secant square y dy is equal to 0. कैसे करेंगे इसको, देखो जरा, पहले dy और dx के terms को अलग अलग साइड पे सेपरेट करेंगे, 1 minus ex into secant square y dy is equal to, dx वाले term को राइट में लिखेंगे, e to the power x 10x into dx, correct? Now, 10x नहीं, वो 10y है, ये 10y है, ठीक है? So now, what is this? This is e
e to the power minus of e to the power x 10y dx. Now dx और dy अलग अलग साइड्स पे सेपरेट हो गए हैं. अब हम करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट. तो y की सभी टर्म्स dy की साइड पे होनी चाहिए, x की सभी टर्म्स dx के साइड पे होनी चाहिए. इसे लिखेंगे हम secant square y, और जो राइट हैंड साइड में 10y है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे लेफ्ट साइड में. 10y into dy is equal to राइट हैंड साइड में ex माइनस का है, अपॉन में क्या है 1 minus ex into dx. राइट, अब देखो वेरिएबल सेपरेटेड है, x एक तरफ है, y एक अलग साइड पे. नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे. दिस इज व्हाट. इंटीग्रेशन से पहले मैं एक काम और करना चाहता हूँ. अगर इसी स्टेज पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ठीक ही आएगा. ठीक है, या आप रहने दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं. टेन वाई इज इक्वल टू माइनस, डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस वन, और ये माइनस जो डिनोमिनेटर से बाहर माइनस आएगा वो इस माइनस को प्लस बना देगा. बस मैंने उस माइनस को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया. लेफ्ट साइड में अगर आप टेन वाई को टी पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, पुट टेन वाई इज इक्वल टू टी. तो सीकेंट स्केयर वाई डी वाई क्या होगा बच्चों, डी टी. तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर आपका बन गया, एक मिनट, ये सीकेंट स्केयर एक्स नहीं बच्चों, वाई है, और यहाँ पर डी वाई भी आएगा. सो दिस इज डी वाई अपॉन टी, dt upon t, sorry, this is dt upon t, dt upon t, dt upon t. And बच्चों right hand side के लिए अगर आप e to the power x minus 1 को z put करते हैं तो ये होगा e to the power x dx is equal to dz, dz, right? So right hand side में हो गया, ये पूरी term आपकी क्या बन जाएगी, dz, और डिनोमिनेटर में हो गया z. लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेफ्ट साइड का आपका इंटीग्रेशन होगा log of mod t is equal to राइट साइड का इंटीग्रेशन होगा log of mod z. प्लस में मैंने बताया कि जो सारी टर्म log में हो तो t को भी क्या लिख, c को भी क्या लिख देते हैं, log c. दिस इज log of mod t is equal to log of z into c mod. राइट, आप दोनों साइड से आप लोग को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो टी आपका क्या रहेगा, जेड सी के इक्वल. टी की वैल्यू बच्चों हमारी क्या थी, टेंजेंट वाई. टी की टी हमने किसको सब्सटीट्यूट किया था, टी हमने सब्सटीट्यूट किया था टेंजेंट वाई को. ठीक है, टी टेंजेंट वाई को सब्सटीट्यूट किया था. राइट, तो टी के जगह क्या डाल दिया, टेंजेंट वाई, एंड जेड हमने सब्सटीट्यूट किया था ई टू द पावर एक्स, e to the power x minus 1 को into में c. So this is solution of given differential equation. Right? बच्चों यहाँ तक आपके 10 question इस exercise के 9.3 के complete हो गए हैं. बाकी के question हम next video में करेंगे. आप इनको अच्छे से कर लीजिए, एक से दो बार आप इनको solve करके देखिए, खुद से solve करके देखिए, एक बार समझिए, उसके बाद खुद से एक बार और practice कीजिए. At least दो बार जरूर करिए, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा. All right, बच्चों, thank you so much and bye-bye.